ये गार्लिक है। ये गाजर और शिमला भी खाई है। ये प्याज है। वेजिटेबल चाइनीज पास्ता बनके तैयार हो गया, लेकिन एक और सैड न्यूज़ ये है कि जिस बदर हमजा के फ्रेंड के लिए मैं ये बनाया था वो आज नहीं आ रहा। तो उसके अब्बू की तबीयत खराब हो गई। हाँ, उसने तुम लोग के बताया कि उसके अब्बू की तबीयत खराब है। तो देखने वाले तमाम व्यूअर्स उसके अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें अच्छा कर दे जल्दी से। जो भी सेहत का इशू आ रहा है वो मसला हल हो गया इंशाल्लाह। तो ये बनके तैयार हो गया और अब मैं इसको करूँगी थोड़ा सा निकाल के। तो अब वो इंशाल्लाह कल आएगा तो ये उसको कल खिलाऊँगी इंशाल्लाह। तो ये मैं उसकी पहले से ही निकाल के रख देती हूँ। ज़्यादा निकाल देती हूँ, ठीक है। और इसको कवर करके फिर फ्रिज में रख दूँगी। चलो, ये पूरी डिश भर गई है और अब मैं इसको कर रही हूँ कवर और ये जाएगी फ्रिज में। कैसा बना? बहुत मज़ा आया ना। और ये गर्म गर्म नहीं अच्छा लगता है? आज कितने मिक्स कर लिया? कैसी आ रही? चलो एंड करते हैं ब्लॉग। अच्छी बात है, मैंने इसमें थोड़े से आलू भी डाले, इसकी वजह से ना थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हुआ है। देखो ओके व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी हो वीडियो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट भी करें, हमें अच्छा लगता है। और आप भी ज़रूर बनाना सब, बहुत मज़े का ये पास्ता है। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। बहुत ज़बरदस्त प्यारी हवा चल रही है और बादल देखेंगे ना, जो बादल कैमरे में दिख रहे हैं ना ये बहुत स्लो चल रहे हैं। असल में अगर मैं रियल में देख रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ी से बादल आ रहे हैं। कैसे काले बादल आ रहे हैं और तेज़ तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़बरदस्त। मेरे फ़ोन में सिर्फ वो है स्लो मो, टाइम लैप्स नहीं। मुझे लगता है बारिश हो जाएगी। हाँ रख दो तो देखते हैं।